हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। उसमें हमारे पास, हमने लास्ट टाइम कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, तो जल्दी से उनको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो हमारे पास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो रिजल्ट आया था उसको देखते हैं। हमने बोला अगर हमारे पास कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। हमने एक मैग्नेटिक कंपस ली, वो हमने बिलो द वायर रखी है। ये हमने कंपस ली है जो हमने बिलो द वायर प्लेस की है, और करंट फ्लो कर रहा है कंपस की साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो स्नो रूल हमने लर्न किया था कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा और जो कंपस है वो बिलो द वायर है, कंपस हमारे पास बिलो द वायर है, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स वेस्ट, या हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड। करंट फ्लो कर रहा है वायर में, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? अगर साउथ से होता हुआ नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है, मीन्स हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कैसे एक्ट करता है? मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो जिस भी वायर में करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो अपने आप एक मैग्नेट बन जाएगा। ये हमने सीखा था। तो मींस हम अगर डायरेक्शन बताना चाहें डिफ्लेक्शन की, तो हम क्या बोलते थे? जो भी मैग्नेटिक कंपस है उसकी जो नीडल है नॉर्थ साइड वाली जो पॉइंट करेगी जिस डायरेक्शन में, वो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोल देंगे। तो मींस करंट फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी? वेस्ट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कंपस अगेन बिलो द वायर है, करंट जा रहा है नॉर्थ से साउथ, डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स ईस्ट। इसी चीज को स्नो रूल के साथ एक और रूल भी है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, जिसके साथ हम लिंक करते हैं। तो एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई पर्सन, अगर यही वायर हमने ऐसे रखी है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो कंपस डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट या वेस्ट साइड, यही बोला था, लेफ्ट की तरफ को डिफ्लेक्शन देगी। तो लेफ्ट की तरफ को डिफ्लेक्शन देने का मतलब हमारे पास क्या है कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हो रही है। हम बोलें कि अगर कोई पर्सन है वो स्विमिंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब साउथ से नॉर्थ, तो वो सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड रेज करेगा, मतलब डिफ्लेक्शन होगी अगेन टुवर्ड्स लेफ्ट। कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है, करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ, तो वो डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मींस ये एक एम्पियर स्विमिंग रूल की टर्म्स में हमने डिफाइन किया। बेसिकली हम इसी से कर लेते हैं, काफ़ी है। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? डायरेक्शंस लर्न करने के लिए कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी। तो ये था ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ये था स्नो रूल। फिर हमने किया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कि अगर हम कार्डबोर्ड लें और उसमें से हमने एक थिक कॉपर वायर पास करवाई, आयरन फिलिंग्स रखी, तो आयरन फिलिंग्स जो थी जैसे ही हमने कनेक्शन कंप्लीट किया उसने डिफ्लेक्शन दी हमारे पास, करंट फ्लो हुआ नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमने कहा था होल्ड करो किसी भी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में, ऐसे होल्ड करना है, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये थंब है, इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। कर्ल्स ऑफ द फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे आएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे आने का मतलब हमारे पास इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस पे मैग्नेटिक कंपस रखते हो तो वो डिफ्लेक्ट करती है ऐसे नॉर्थ। मैग्नेटिक कंपस की जो नॉर्थ साइड है, उसकी जो नीडल है जो डिफ्लेक्शन देगी, वो हमारी डायरेक्शन डिफाइन करेगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मीन्स ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं, तो ये आ जाएगी,
ऐसे आ रही है, आप यहाँ कंपास रखोगे तो वो इस तरफ डिफ्लेक्शन करेगी, इस तरफ। इस तरफ डिफ्लेक्शन मीन्स हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पॉइंट कर रही हैं। डायरेक्शन कैसे बताई जाती है, उस पॉइंट पे कंपास रखो। हमने बोला था हम बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटसाइड द मैग्नेट। तो अगर हम यहाँ पे अपना कंपास रखते हैं, कंपास किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी उसका नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्थ, अवे फ्रॉम नॉर्थ, रिपेल करेगा नॉर्थ नॉर्थ को। अगर हम यहाँ रखेंगे तो कंपास कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी, कंपास का जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ, साउथ की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। तो हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे और हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ये था हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमने लूप में लगाया कि अगर किसी लूप में, अगर किसी लूप में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो अगर मेरी डायरेक्शन, अगर मेरे लिए वो डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके लिए क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज। अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मुझे इस तरफ से करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल। तो मतलब ये करंट जा रहा है, ये करंट है हमारे पास, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू मतलब करंट जा रहा है इस तरफ, करंट इस तरफ जा रहा है हमारे पास। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है, हम इसके बेसिस पे बता सकते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी। करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अंदर से बाहर की तरफ को आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अंदर से बाहर की तरफ को, बाहर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकल के पॉइंट कर रही है। बाहर की तरफ को मतलब आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द बोर्ड। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मतलब ये वाला जो फेज है वो नॉर्थ पोल है। अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नेट की, मैग्नेट की, तो मतलब मेरे लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हम ऐसे प्लॉट करें मेरे लिए, तो मींस अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमने कोई रिंग ऐसे रखी है, उसमें जब करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है, जब हम ऊपर के फेस से देखेंगे करंट उसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, मींस ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये हमारा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हम जब करंट देखेंगे, करंट इस तरफ, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर से दिख रहा है वो हमें वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल। जब वही चीज़ हम नीचे वाले फेस से देखते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, करंट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल। तो ये हमने रूल्स किए थे जो बेसिकली डायरेक्शंस बता रहे थे, किसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी हमारे पास, कौन सा उस टाइम वहाँ पे पोल जो है वो एट ए टाइम प्रेजेंट होगा। तो जब हमने बोला कि हमने वायर ली, वायर के पास एक कंपास रखी, तो कंपास बेसिकली किस चीज़ की डिफ्लेक्शन शो कर रही है, सिर्फ इस करंट कैरिंग वायर की होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी उस टाइम एक्ट कर रही है। बट जब हमने कंपास किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखी है, तो उस टाइम वो जो डोमिनेट करती हुई चीज़ है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो जो हमारे पास डिफ्लेक्शन शो हो रही है वो उसकी है। बट अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर के आसपास कंसेंट्रिक लाइंस हैं, मतलब ये डोमिनेट कर रहा है। जैसे ही हम इससे दूर जाते जाएंगे, सपोज हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाहेंगे, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट करेगी बीच में। यहाँ पे भी दोनों हैं, बट क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट बहुत क्लोज है, करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत पास है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा हम दूर चले जाएंगे, तो दूर चले जाएंगे ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, ये स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। क्योंकि अगर ये अर्थ है, अर्थ की शेप एलिप्टिकल होती है हमारे पास, अगर हमने बोला ये अर्थ है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ, ये है साउथ, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में आ रही है। बट अंदर कैसी है, अंदर कैसे होती है, अंदर तो साउथ से नॉर्थ, अंदर तो साउथ से नॉर्थ, तो बेसिकली पैरेलल लाइंस आ जाती हैं। तो यहाँ किसका इफेक्ट डोमिनेट करता है, कंडक्टर का। बट जब हम कंडक्टर से दूर जाना स्टार्ट करते हैं, पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, वो बताती हैं कि बेटा अर्थ की भी तो है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, वो भी तो काम करेगी। तो यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल, जितना इससे दूर गए, इससे दूर गए, अब अर्थ की फील्ड लाइंस भी काम करेंगी, जो कि कहाँ से कहाँ है, साउथ से नॉर्थ है। और किन्हीं पॉइंट्स पे अर्थ पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जहाँ कट कर जाती है,
किन्हीं पॉइंट्स पे ऐसा होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कट कर गई, मींस इक्वल एंड ऑपोजिट हो गई, नेट इफेक्ट जीरो हो गया, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। वो पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास? न्यूट्रल पॉइंट्स हैं। तो हमने लास्ट टाइम बोला कि यही चीज़ अगर हमें ड्रॉ करनी है किसी लूप के लिए, हमने ऐसे लूप लिया कि सपोज हमने दो जगह होल्स किए, तो यहाँ हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन आई थी। हमने बोला हम कनेक्शन कंप्लीट करते हैं, जब हम कनेक्शन कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास पूरा सर्किट नहीं, बैटरी, रियोस्टैट, सब कुछ हमारे पास, स्विच की सब लगा के हम सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने जब बोला कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ ऊपर, तो मैंने कहा था ऐसे ऐसे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आ जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, फिर से यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स, यहाँ पे भी, बट ये हमारे पास पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन क्या दिखाती है कि जब हम कंडक्टर से दूर जा रहे हैं, जब हम कंडक्टर से दूर जा रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडक्टर से दूर जाना मतलब हमारे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, मैग्नेट से दूर जाना, अब अर्थ का इफेक्ट भी डोमिनेट करेगा और वहाँ स्ट्रेट आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ हमने डायरेक्शंस डिफाइन की थी, यहाँ करंट नीचे की तरफ, करंट नीचे की तरफ मतलब हमारे पास थंब नीचे, राइट हैंड थंब रूल, ये आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस, तो ये हो गई इसके ऑपोजिट। अब जहां हमारे पास करंट, जहां करंट हमारे पास क्लॉकवाइज, वो साउथ पोल बन जाएगा, जहां करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो मींस विजन है, एक साइड से जो चीज आपको सर्कल्स कंसेंट्रिक करंट, उसमें जो लूप में करंट है वो नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ नजर आ रहा है, वो नॉर्थ पोल है। जब मैं दूसरी साइड से देखूंगी मुझे फेस क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज, तो मतलब वो क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये हमने किया था। नेक्स्ट, अब आगे इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, सोलेनोइड की। सोलेनोइड में हमारे पास क्या है, जब हम डिस्कस कर रहे हैं सोलेनोइड मीन्स हमने एक वायर ली है, उसको ऐसे हेलिकल शेप में, स्प्रिंग की शेप में हमने टर्न किया। हमने बोला आगे हम वही कंप्लीट कनेक्शंस, बैटरी, स्विच, रियोस्टैट, ये सब लगाएंगे। अभी सिर्फ मैं करंट बता रही हूँ, बेसिकली ये हमारे पास कैसे वर्क करता है। तो हम बात कर रहे हैं सोलेनोइड की। सोलेनोइड की एक कंडीशन कि जो वायर की लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दी डायामीटर और रेडियस ऑफ द वायर, मतलब उसकी लेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा हो। तो लेंथ ज़्यादा मीन्स वायर जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, हेलिकल शेप में हमने बेंड किया है, स्प्रिंग की शेप में हमने बेंड किया है। तो ये क्या बन गया है, ये सोलेनोइड बन गया। कब बनेगा, जब मैं इसमें करंट फ्लो करवाऊंगी। ये हुआ हमारे पास करंट फ्लो, तो बेसिकली ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है और वापस इस तरफ से ऐसे आएगा। तो अगर मैं इधर से देख रही हूँ, अगर मैं इधर से देख रही हूँ करंट मुझे ऐसे आता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे मतलब हमारे पास सपोज क्लॉकवाइज ऐसे आ रहा है इस तरफ को, मैं मान रही हूँ क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में मेरे पास वर्क कर रहा है। तो हमने बोला था क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, साउथ पोल। अगर इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से करंट किस डायरेक्शन में है, करंट हमारे पास क्लॉकवाइज है, इस तरफ से जब हम व्यू करेंगे तो साउथ पोल हो गया। सिमिलरली जब हम इसी चीज़ को इधर से देखते हैं, इधर से देखना मतलब मेरे पास करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। जहाँ करंट जिस साइड से साउथ पोल, उसी के ऑपोजिट साइड से देखेंगे तो वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब हमें पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, बीच में हमें पता है स्ट्रेट हो गई, ऐसे निकलेंगी। नॉर्थ से कैसे जाती हैं, बाहर की तरफ, और साउथ में कैसे आती हैं, वापस अंदर की तरफ। तो मींस ये हमारे पास एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, कौन, सोलेनोइड। सोलेनोइड है, सोलेनोइड कब होता है, जब हम एक स्प्रिंग की शेप में वायर को बेंड कर देते हैं,
बस उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली इट्स टू इट्स एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस और इट्स डायामीटर। लेंथ ज़्यादा रखेंगे, कनेक्शन कंप्लीट करेंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। तो जब एक हेलिकल शेप्ड वायर में हम करंट फ्लो करवाते हैं वो सोलेनॉइड बन जाता है। सोलेनॉइड बेसिकली बार मैग्नेट की तरह ही है, इसमें भी बार मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि हम इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। जो हमारे पास नेगेटिव साइड है वो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, मींस बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, आएंगे अभी इस पे भी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा, जैसे स्ट्रेट था ना करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनती थी, हमने अभी वो आयरन फिलिंग्स वाला किया। तो जितना ज़्यादा आप करंट का मैग्नीट्यूड करते हो उतनी ज़्यादा डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, डेंसर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वहाँ पे बन जाएगी। तो मीन्स जैसे जैसे करंट ज़्यादा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब हमारे पास यहाँ मैग्नेट्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाती है। और कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। ये होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा टर्न्स उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितने चिपके चिपके टर्न्स उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो मींस इन्वर्सली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस। जैसे यहाँ हमने कार्डबोर्ड लिया था, हमने बोला इसमें हमारे पास जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ये हमने बोला, तो जितना ज़्यादा रेडियस होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी, दूर जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितने टर्न्स ज़्यादा उतना ज़्यादा करंट हमारे पास, वो क्लोज हम बोल रहे हैं, डिस्टेंस कम कर रहे हैं उनके बीच में, तो टर्न्स ज़्यादा करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली करंट जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होता जाएगा। तो ये है हमारे पास सोलेनॉइड। अब हम और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड को? इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हमने इंक्रीज करने के लिए क्या बोला कि हम इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं बाय इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों? ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको बोलो आज पढ़ना है, इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ के सोएगा, है ना? मीन्स जितना काम दिया है करेगा। अगर हम करंट ऑन करेंगे तो मीन्स ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसकी मैग्नेटाइजिंग जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको इंक्रीज कर देगा। अगर हम ऑफ कर देंगे करंट की सप्लाई की नहीं बस, तो मीन्स ये करंट की सप्लाई जैसे ही ऑफ होगी ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मीन्स ये बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने को बोलो तो पढ़ने बैठ गया। तो मीन्स जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो करवाया ये मैग्नेटाइज हो गया, जैसे ही हमने ऑफ किया ये डीमैग्नेटाइज हो गया। तो सॉफ्ट आयरन कोर में ये एबिलिटी होती है। इसकी जगह हम स्टील यूज़ कर देंगे तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, नहीं सुनेगा, डीमैग्नेटाइज करो नहीं होगा, तो मींस वो वैसे वाला हो गया हमारे पास। तो मींस सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर जल्दी से बात मान जाएगा, मैग्नेटाइज किया मैग्नेटाइज हो गया, डीमैग्नेटाइज किया डीमैग्नेटाइज हो गया। अगर स्टील की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? परमानेंट मैग्नेट। तो मींस अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, सेम है उसमें भी, हमने बोला बस हमने उसमें क्या कर दिया, एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया। तो जब हमने सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट किया ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर से जिस तरफ करंट अब हमारे पास यहाँ फ्लो कर रहा है, जिस तरफ करंट हमारे पास
करंट ऐसे। तो यहां करंट कैसे फ्लो करता हुआ आ रहा है, यहां हमारे पास कैसा है क्लॉकवाइज, तो मतलब साउथ पोल। यहां इस फेस से देखें, इस फेस से देखें हमारे पास तो कैसा जाएगा, वहां था हमारे पास क्लॉकवाइज, यहां पे हमारे पास कैसे फ्लो कर रहा है, यहां से देखो ये ऐसे निकलता हुआ आ रहा है, तो मींस एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो बाकी सब सेम है, सिर्फ इसमें सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट किया है, ज़्यादा मैग्नेटाइज कर दिया, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो हर जगह हम जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, ये है हमारे पास आई शेप्ड मैग्नेट और दूसरा है यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट सेम चीज़ करेंगे, ऐसे लिया हमने, उसके ऊपर हमने ऐसे वाइंडिंग्स कर दी, तो सेम जब हमने वाइंडिंग्स की है, कनेक्शन कंप्लीट किया है, ये आ जाएगा, बेसिकली करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारे पास करंट फ्लो किया, दूसरी साइड से हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो मीन्स हमने बोला ये डायरेक्शन हो गई करंट की। अगेन जिस तरफ से करंट आपको क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखे वो हो जाएगा साउथ पोल, जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ दिख रहा है वो बन जाएगा नॉर्थ पोल। एंटी मतलब नॉर्थ, जब हम इस फेस से देखेंगे तो आ जाएगा क्लॉकवाइज मतलब साउथ, एंटी मतलब नॉर्थ, क्लॉकवाइज हमारे पास क्या हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा। तो बेसिकली ये सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड में सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ किया, क्यों, क्योंकि वो इजिली डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज हो जाता है। तो हमने दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, आई शेप्ड एंड यू शेप्ड, सेम है, उनके ऊपर कॉपर से वाइंडिंग्स कर दी, जैसे ही हमने वायर से वाइंडिंग्स की करंट फ्लो करवाया, जिस तरफ करंट क्लॉकवाइज होगा साउथ पोल, जिस तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये है हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब हम बात करते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे भी बेटा अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट ज़्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, तो मीन्स सेम इफेक्ट जो हमने यहाँ पे करना था। अब डिफरेंस क्या है एक परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारे पास क्या डिफरेंस आता है। परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स और यहां आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, रिवर्सिंग दी डायरेक्शन ऑफ करंट, हम उनकी पोलारिटीज रिवर्स कर सकते हैं, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं, इधर नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास अगर हम करंट चेंज करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज दी strength of magnetic field. How can we change the strength of magnetic field? By increasing or decreasing the magnitude of electric current. नहीं कर सकते, हमने बोला हम उसको demagnetize कर सकते हैं, demagnetize कर सकते हैं, current off कर दो, इधर नहीं कर सकते। हमने बोला हम यहाँ पर क्या use करते हैं electromagnets बनाने के लिए, soft iron core। अगर हम स्टील यूज करेंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो मींस पोलैरिटी रिवर्स कर सकते हैं, कैसे, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगेन बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या फिर नंबर ऑफ टर्न्स, डी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, करंट ऑफ कर दो, सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, स्टील यूज करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ये हमारे कुछ बेसिक से डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट और हमारे पास परमानेंट मैग्नेट। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं
अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है? कैसे? ऑयस्टेड ने बोला कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक मैग्नेट बन गया। इसकी वजह से जो कंपस पड़ी थी उस पर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई। तो मीन्स डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस क्यों हुई? क्योंकि उसको फोर्स लगी, उसने कुछ फोर्स एक्सपीरियंस की। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? अगर इसने इस पे फोर्स लगाई तो क्या बैक फोर्स नहीं लगी? तो ऐसा सा कुछ रिजल्ट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर उन्होंने देखा कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लें, हमने हॉर्सशू मैग्नेट लिया, हमारे पास ऐसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये हो गया उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमने एक स्टैंड से यहाँ पे एक वायर, यहाँ पे एक स्टैंड लिया है और उस स्टैंड के थ्रू हमने यहाँ पे एक वायर खड़ी कर दी। सपोज ये आ गई वायर के साथ, हमने यहाँ एक मर्करी की स्ट्रिप अटैच की है। आगे कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। कनेक्शंस कैसे कंप्लीट करेंगे? सपोज ये हमारे पास वायर है, यहाँ पे हमने बोला ये हमने एक स्टैंड रखा है, स्टैंड के साथ इसको जो है हमने सस्पेंशन दी है, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। अब वायर के साथ आगे फर्दर कनेक्शन कंप्लीट करते हुए हमने बोला हम हमारे कनेक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं, आगे इसको अटैच कर देंगे बैटरी के साथ, फुल कनेक्शंस जो हैं वो दे दो। सपोज़ ये है हमारे पास, ये आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्या होगा हमारे पास? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा अगर हम कनेक्शंस जो हैं अपने कंप्लीट करें। ये आ गया स्टैंड, बेसिकली ये क्या है, एक स्टैंड है, इसे ठीक है, स्टैंड के साथ हमने एक स्ट्रिप अटैच की है, स्ट्रिप के साथ हम आगे फर्दर अपने कनेक्शन जो है कंप्लीट कर देते हैं। फिर से वही एमीटर रियोस्टैट की लगा के हम कनेक्शंस कंप्लीट करेंगे। अब बेसिक रूल क्या है इस एक्सपेरिमेंट का? बेसिक रूल है हमारे पास कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। व्हेनेवर अ करंट और करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, placed in a magnetic field experiences force. क्या बोला? जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे ही होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, बट एट एनी एंगल और डिफरेंट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मींस हम बोल रहे हैं, अगर चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, करंट कैरिंग कंडक्टर, कहाँ से करंट बना? मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मींस हमारे पास सेम चीज़ आ गई, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे हम कनेक्शंस कंप्लीट करवा रहे हैं, हमने बोला करंट फ्लो होगा अगर सपोज पहले जो करंट जा रहा है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होता हुआ, सपोज यहाँ करंट आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे एक मैग्नेट लिया, मर्करी स्ट्रिप ली, उसके साथ हमने वायर को कनेक्ट किया और कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए। अब जब हमने ये कनेक्शंस कंप्लीट किए, क्या बोलना क्या चाहते हैं ये? हमारे पास करंट कैरिंग, हमारे पास करंट वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगी? इस पे लगेगा बेटा हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? हमारे पास सबसे पहले आया करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट मीन्स आए, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। पहले आया करंट कैरिंग कंडक्टर या पहले आई मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हमने रखा करंट कैरिंग कंडक्टर, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल FBI। स्ट्रेच करो अपने तीनों चीज़ें, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब हमने उनको ऐसे स्ट्रेच कर लिया तो हमारे पास FBI, आई मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। जब मेरी मिडल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो थंब मेरा फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। थंब क्या है? फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, सच दैट क्या है हमारे पास कि अगर मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, देन माय थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे? करंट नीचे आ रहा है, FBI, करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये हो गया करंट नीचे की तरफ, फोर्स लगेगी आपकी तरफ बाहर, तो मेरी वायर इससे कनेक्शन ब्रेक करेगी, कनेक्शन ब्रेक करके बाहर की तरफ को मूव करेगी, ऐसे थोड़ी सी डिफ्लेक्शन फील करेगी। हो गई डिफ्लेक्शन, अब क्या मतलब हुआ? करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, उसने फोर्स एक्सपीरियंस की आउटवर्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। जब ये बाहर की तरफ को आई वायर फोर्स फील करने की वजह से, फिर ग्रेविटी की वजह से वापस पीछे को गई और पीछे को जाके फिर से मर्करी स्ट्रिप से अटैच हो गई, पहले डिटैच हुई फिर से वापस जाके अटैच हो गई। तो ये एक्सपेरिमेंट चलता रहता है जब तक करंट फ्लो हो रहा है। तो मींस प्रूव हो गया कि हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस की। अब अगर सपोज हम रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन बाकी वैसे ही रहने दिया, करंट की डायरेक्शन ऊपर को कर दी, FBI, मतलब अगर आप करंट रिवर्स करोगे FBI, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, मीन्स वायर फिर से कनेक्शन डिटैच होगी और पीछे की तरफ चली जाएगी, पीछे की तरफ चली गई, फिर वापस आई अपनी पोजीशन पे, अटैच हो गई, फिर चली जाएगी, डिटैच हो जाएगी, फिर आ जाएगी, प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये हमारा प्रूफ करता है, क्या प्रूफ करता है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन से रूल से किया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से किया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? स्ट्रेच योर थंब, मिडल फिंगर, फोर फिंगर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस सच दैट FBI, सच दैट मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स the direction of current, forefinger represents the direction of magnetic field, then thumb will represent the direction of force. तो बेटा कितना मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का? कितना मैग्नीट्यूड है हमारे पास? F is equal to bill sin theta. ये वैसे +2 का है बट हमें सिर्फ इतना सा चाहिए कि ये क्या होता है।
एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेशन भी कहाँ से आया कि जो फोर्स है कितनी फोर्स लगेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा फोर्स, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ द कंडक्टर उतनी ज़्यादा फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल साइन ऑफ थीटा, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल है, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, बी, और ये बेसिकली है हमारा करंट एलिमेंट, बी और इनके बीच में, करंट एलिमेंट के बीच में। तो मींस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और जो है लेंथ वेक्टर बेसिकली कौन सी है कि हमारे पास करंट तो स्केलर क्वांटिटी है बट डायरेक्शन हो रही है इसकी कोई ना कहीं ऊपर नीचे, तो मींस करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। तो जब हमने सबको ज्वाइन किया ये बन गया बिल साइन थीटा, एसआई यूनिट्स में जब रिमूव करते हैं तो ये आ जाता है फिर से के की कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 बिल साइन थीटा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी, फोर्स मैक्सिमम होगी जब थीटा 90 होगा, तो हमने परपेंडिकुलर रखा था। मैक्सिमम फोर्स तब होती है जब करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम फोर्स कब होगी, जब करंट कैरिंग कंडक्टर होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है बेटा। और जीरो कब होगी, जब हमारे पास एंगल जीरो होगा, मीन्स अलोंग द डायरेक्शन होगा या फिर 180 होगा, तो जीरो हो जाएगी, क्लियर। चलिए, ओके, बाय।